आप 10,000 के आप 10 लाख दीजिए ना, आपकी तो आस्था का सवाल है, समाज कहाँ से आ गया इसमें। धर्म में तो ये भी लिखा हुआ है कि महिलाओं को मंदिर के अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, गर्भगृह के अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं नरक का द्वार है। जिस पार्टी से आप हस्तिनापुर में इलेक्शन लड़ते हैं उस पार्टी के किसी भी बंदे का कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं है? समाज की बेटी नहीं है? नहीं, समाज की बेटी, अगर समाज की बेटी आप कहने लगो कि इंदर मेघवाल की हत्या हुई है और मेघवाल समाज की एक महिला ने पूरे मेघवाल समाज को ललका दिया, तो क्या आप उसे समाज की बेटी मानिएगा? हमें अधिकार की बात करेंगे तो हम आरक्षण की बात करेंगे, हम अधिकार की बात करेंगे तो महिला रिजर्वेशन की बात करेंगे, हम अधिकारों की बात करेंगे तो अपनी सत्ता और सरकार बनाने की बात करेंगे। गुलामी की लड़ाई जो है समानता की लड़ाई, जिनके लिए मंदिर आज पैसे कमाने का जरिया है, जिनके लिए मंदिर आज ATM है, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है मंदिर में जाकर गुलामी का पाठ पढ़ेंगी तो वो नहीं होगा। हमारी पीढ़ियां स्कूल में जाकर संविधान का पाठ पढ़ेंगी, अधिकार की बात करेंगी, उन्हें जज बनना है, IAS बनना, IPS बनना, राजनेता बनना है और अपने आप को PMO CM बनाना है। वेटिकन सिटी तक में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सर्वोच्च पद मिला, परंतु भारत के 5000 साल में क्या कारण है कि इनके किसी भी मठ का, किसी भी इनके संप्रदाय का, किसी भी मंदिर का कोई भी पुजारी आज तक अनुसूचित जाति से नहीं बन पाया? तो आप क्या शिक्षा देना चाहते हो कि हमारी लड़ाई मंदिर में घुसकर गुलाम बनने की है? क्या आप धर्म से तो हिंदू मानते हो, धर्म से आप हिंदू मानते हो, राजनीति से अपने आपको कांग्रेस ही मानते हो, परंतु लड़ाई आपको अंबेडकर राइट से लड़नी है। जब आप जाते हो और आप खुलेआम ये कहते हो कि ये मेरी आस्था का सवाल है, तो जो जो ये धर्म है जिसको आप मान रहे हो उसके अंदर तो आस्था यही है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर किसी ने आपको धक्के दिए हैं तो उसने तो धर्म का काम किया है, जो उन्हें धर्म सिखाता है कि महिलाओं को कान में तेल डाल देने चाहिए, जवान काट लेनी चाहिए, उन्हें अधिकार नहीं देने चाहिए, तो अब जब धर्म का काम हो रहा है तो आपको आपत्ति क्यों है? या तो आप अंबेडकर राइट हो सकते हो या नॉन अंबेडकर राइट हो सकते हो, और अगर आप अंबेडकर राइट हो तो सबसे पहले आपको इस व्यवस्था पर लात मारनी पड़ेगी जिस व्यवस्था को आप ढोकर आज हीरो बनना चाह रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो आस्था का सवाल है और आस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी मंदिर गए थे, तो जब डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब महाड़ तालाब में गए थे और काला राम मंदिर गए थे तो उन्होंने कहा था सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। मैं सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी ये है कि मैं मंदिर के अंदर जाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मंदिर के अंदर आस्था की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। आपको मंदिर से पहले शिक्षा की बात करनी है, आपको सबसे पहले अपने समाज की बात करनी है, परंतु आप जब ये कहते हैं कि मेरी आस्था का सवाल है और मेरे साथ गलत हुआ है, तो आस्था धर्म के हिसाब से जो उन्होंने किया मैं मानता हूँ कि धर्म के हिसाब से उन्होंने कोई गलत नहीं किया। नहीं दादा, ऐसा कहाँ धर्म में लिखा हुआ कि किसी महिला को धक्के मारी है? देखिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ ये लिखा हुआ है कि जो अछूत जो है वो पैर से पैदा हुए कि ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहू राजन्य करुद्रस्य वैश्य शूद्र जनोनया? और जब आप ये नहीं जानते कि बाली की हत्या क्यों हुई, जब आप ये नहीं जानते कि एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया, जब आप ये नहीं जानते कि शंभु ऋषि को क्यों मारा गया, तो वो भी तो धर्म के हिसाब से चीजें हुई थी। और अब आप ये कहते हो कि भारत के आजादी के 70 साल बाद भी मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं है, तो ये तो मंदिर में घुसने की इजाजत तो 5000 साल पहले भी नहीं थी जब उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में आपका प्रवेश वर्जित कर दिया था। आज जब आप मंदिर जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पार्लियामेंट की आपके लिए लड़ाई लड़ी, सवाल मंदिर में घुसने का नहीं ना, सवाल हुआ पैसे का था, उन्होंने टिकट महंगा वाला नहीं लिया, VIP वाला। देखिए सवाल अगर आप जा रहे हो तो आप फ्री में भी जा रहे हो तो उससे हमारा समाज का क्या लेना देना? ये लड़ाई समाज की थोड़ी है, आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, आप उसमें पैसे दीजिए या मत दीजिए, परंतु आप इसको ये मुद्दा बना रहे हैं कि पूरा समाज आपकी लड़ाई लड़े, तो पूरा समाज लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि इन मंदिरों में तो भारत के प्रधानमंत्री तक को नहीं घुसने दिया, तो आप तो है क्या चीज? और दूसरी बात ये है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, जब भारत की प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री तक को नहीं घुसने दिया था और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया, तो आप तो हैं किस खेत की मूली? दूसरी बात, जब आप वीडियो वायरल करके कहते हैं कि मुद्दा पैसे का है,
अरे मुद्दा पैसे का नहीं, मुद्दा शोषण का है। आपके कितने जो मंदिर में प्रिस्ट हैं, कितने पुजारी हैं, आपके अपने समाज से हैं। अगर आप इस लड़ाई को लड़ते कि इस मंदिर के अंदर जो है मेरे समाज का जो पुजारी होना चाहिए, तो हो सकता है हम आपकी लड़ाई का समर्थन करते, परंतु वो लड़ाई नहीं थी। लड़ाई ये थी कि मुझसे कम पैसे क्यों लिए गए। अच्छा, अगर आपको फ्री में दर्शन देने, फ्री में अगर आपको वहाँ दर्शन के लिए भेज देते तो वहाँ सब चीज़ें ठीक होती। आप ना विरोध करते, ना वीडियो बनाते, ना ही प्रचार पाते और ना ही समाज की तो जो 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे ना, उन्होंने तो नॉर्मल टिकट ले लिया था दर्शन करने के लिए। देखिए, तो आप 10,000 के आप 10 लाख दीजिए ना, आपकी तो आस्था का सवाल है, समाज कहाँ से आ गया इसमें। आपकी आस्था का सवाल ये है कि मुझसे पैसे ज्यादा मांग लिए। धर्म में तो ये भी लिखा हुआ है कि महिलाओं को मंदिर के अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, गर्भगृह के अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं नरक का द्वार है, महिलाओं को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। संविधान तो नहीं मानता ना इस चीज को। अगर बिल्कुल सही बात है कि संविधान को मानने वाले को अगर आप मानते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल पर जब इस्तीफा दिया, वो भारत की महिलाओं के लिए दिया, और वो महिलाएं किसी एक अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग की नहीं, सभी महिलाओं को अधिकार दिया। और जब आप संविधान की ये बात करते हैं कि संविधान आपको धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो वो धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप उस गुलामी का को एक्सेप्ट करें जो आपके समाज को गुलाम बना रही है। ये लड़ाई आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है। इसे अगर आप सोचते हैं कि पूरा समाज आपके पीछे आकर लड़ाई लड़ेगा, तो पूरा समाज नहीं लड़ेगा। जिस पार्टी से आप हस्तिनापुर में इलेक्शन लड़ते हैं, उस पार्टी के किसी भी बंदे का कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं है। समाज की बेटी नहीं है? नहीं, समाज की बेटी। अगर समाज की बेटी आप कहने लगो कि इंदर मेघवाल की हत्या हुई है और मेघवाल समाज की एक महिला ने पूरे मेघवाल समाज को ललकार दिया, तो क्या आप उसे समाज की बेटी मानिएगा? क्या आप ये कहिएगा कि इंदर मेघवाल की हत्या में जो वहां की मेघवाल समाज की एक महिला उनके मंच पर चढ़कर जो पूरे समाज के खिलाफ अगर आवाज उठाती है, तो क्या आप उसको समाज की बेटी मानेंगे? और दूसरी बात, ये लड़ाई समाज की नहीं है, ये लड़ाई आपकी राजनीतिक लड़ाई है। जाओ अपने हुक्मरानों के पास, जिस पार्टी के अंदर। आपको नहीं लगता समान अधिकार की है ये? नहीं, हमें नहीं लगता। हमारा किसका अधिकार? हमें अधिकार की बात करेंगे तो आरक्षण की बात करेंगे, हम अधिकार की बात करेंगे तो महिला रिजर्वेशन की बात करेंगे, हम अधिकारों की बात करेंगे तो अपनी सत्ता और सरकार बनाने की बात करेंगे। गुलामी की लड़ाई जो है समानता की लड़ाई है। समान अधिकार नहीं चाहिए किसको? ना, हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए तो स्कूल जो समानता की लड़ाई है, हमारे लिए कॉलेज समानता की लड़ाई है, हमें अपना चीफ सेक्रेटरी बनाना है, हमें अपने जजेस अपने बनाने हैं, तो हमारे लिए तो ये लड़ाई है। हमें अपनी पीढ़ियों को गुलाम नहीं बनाना, क्योंकि हम जो है धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे अपने समाज को और अपने वाले भविष्य पीढ़ी को हम खत्म नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि ये समानता की लड़ाई है, तो समानता की लड़ाई उनके लिए है जिनके लिए मंदिर आज पैसे कमाने का जरिया है, जिनके लिए मंदिर आज ATM है। आप इस वीडियो को वायरल करके क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, वो सिर्फ मंदिरों में जाके अपना अर्चना गौतम कहां पिछड़ी हुई है आर्थिक रूप से भी या सामाजिक रूप से? नहीं, वो एक्टर्स हैं, देखिए विधानसभा का चुनाव लड़ी है वो। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि जिस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ी है, उस पार्टी के किसी भी नेता का कोई वक्तव्य आया नहीं आया, परंतु आप बहुजन मीडिया क्यों उठ के आ गया? क्योंकि वो चाहती हैं कि बहुजन समाज उनके साथ खड़ा हो, उनकी लड़ाई लड़े, उन्हें हीरो बनाए, उन्हें सिंपैथी मिले, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि ये लड़ाई जो है, अगर आप कहते हो कि मंदिर जाने की लड़ाई समानता की लड़ाई है, तो मंदिर के अंदर इस महिला ने या किसी ने भी क्यों देवदासियों की लड़ाई आज तक नहीं लड़ी? क्या कारण है कि दक्षिण के अंदर आज भी देवदासी प्रथा जारी है? और क्या कारण है कि जितने भी अत्याचार होते हैं महिलाओं पर, एक विशेष वर्ग की महिला का अगर बलात्कार होगा तो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप एक हो जाओगे, परंतु बहुजन समाज की महिला को, बेटी का जब हाथरस में रेप होगा तो उसको जलाकर शासन पर शासन जला देता है, तो क्या ये समानता की लड़ाई नहीं थी? क्या आप उस बहुजन समाज की बेटी नहीं मानते? परंतु अगर आप ये सारी तो लड़ाई नजर में दलितों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? कहा किस लिए जाना चाहिए? देवदासी बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। अगर आप जा रहे हो और आपके मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि शूद्रों को और अछूतों को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है, और जो धन जो अर्जित किया है उस पर जो पहला हक है वो ब्राह्मणों का है, तो अगर आप अपने आप को कह रहे हो कि हमारी आस्था का सवाल है, तो अपनी सारी संपत्ति, ये चीजें नहीं चलती ना। क्यों नहीं? देवदासी प्रथा आज भी जारी है, देवदासी प्रथा आज भी जारी है, आज भी दक्षिण के कई मंदिरों में। गैर कानूनी है ना? नहीं, गैर कानूनी है तो क्या हुआ? जातिवाद भी तो गैर कानूनी है। SC ST एक्ट के अंदर में पूरा वो लोग आपके खिलाफ आ जाते हैं। जरूरी है जो चीज गैर कानूनी हो वो समाज में प्रचलित ना हो, या आज कोई अनुसूचित
जाति का कोई पत्रकार बोल के देखिए उनके खिलाफ आपको जेल में डाल देंगे, वो परंतु वो कानूनी और गैर कानूनी नहीं होगा। परंतु जब बात मंदिर की आती है, जब मंदिर की और स्कूल की बात होगी तो हम तो स्कूल को मंदिर पर किसी एक समाज का अधिकार थोड़ा, ये मंदिर तो सबका है, भगवान तो सबके है ना। नहीं, भगवान सबके हैं, लेकिन भगवान की विचारधारा किसकी है, भगवान की विचारधारा किसकी है? अगर आप ये कहते हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है मंदिर में जाकर गुलामी का पाठ पढ़ेंगी तो वो नहीं होगा। हमारी पीढ़ियां स्कूल में जाकर संविधान का पाठ पढ़ेंगी, अधिकार की बात करेंगी, उन्हें जज बनना है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, राजनेता बनना है और अपने आप को पीएमओ सीएम बनाना है। अगर आप ये सोचते हो कि आने वाली पीढ़ियां उनके इशारों पर अपनी जो 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 दक्षिणाएं हैं अपने जो धन संपत्ति है उसे दान कर देंगे या हमारे जो हमारे ऊपर ये अत्याचार जाति के कारण कर लेंगे, मंदिर के कारण कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। भारत का कोई भी एक ऐसा प्रमुख मंदिर बना दो, जो बता दो जिसके जो प्रमुख हो, जो पीठ का प्रमुख कोई अनुसूचित जाति या छूत समाज से आता हो। अगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि वेटिकन सिटी तक में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सर्वोच्च पद मिला, परंतु भारत के 5000 साल में क्या कारण है कि इनके किसी भी मठ का, किसी भी इनके संप्रदाय का, किसी भी मंदिर का कोई भी पुजारी आज तक अनुसूचित जाति से नहीं बन पाया? तो आप क्या शिक्षा देना चाहते हो कि हमारी लड़ाई मंदिर में घुसकर गुलाम बनने की है या हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में घुसकर? क्यों लगता है मंदिर से गुलाम बनते हैं? हमें इसलिए लगता है क्योंकि आप उनके खिलाफ आप नहीं बोलोगे ना, आप शंभुक ऋषि की बात नहीं बोलोगे, आप बालीवध की बात नहीं बोलोगे, आप एकलव्य की बात नहीं बोलोगे, तो आपके जो मानसिक गुलाम है, जब आपके जो जो आपके हीरो हैं उनको मारकर आप जश्न मनाते हो और आपकी मानसिक गुलाम आपको बनाया जाता है, तो ये सारी बात मानसिक गुलामी की है। और अगर आप चाहते हो कि आपको मानसिक गुलाम बनना है तो आप जाइए, अपना सब कुछ न्योछावर कर दीजिए, और क्योंकि आपकी संपत्ति और आपके जो जो विचारधारा है वो उनके सामने जीरो है। और मंदिर की अगर विचारधारा पर चलना है और आपको गुलाम बनना है तो इस धर्म के अंदर हम इस धर्म को नहीं, आपने मानते जो मंदिर के जो कर्मचारी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने सल्लूक करा अर्चना गौतम के साथ? देखिए, ये अगर आप कानूनी बात कर रहे हैं तो उन्हें ना केवल कार्रवाई होनी चाहिए थी, सेक्शन 3 SC ST एक्ट के अंदर में IPC का 354, 341, 452 और भी कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर उन सबको जेल जाना चाहिए था। परंतु यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो जाती, यही घटना किसी बहुजन समाज के जो जो प्रमुख हैं उनके उसमें हो जाती, तो ये जो लोग हैं ये पूरे भारत को जाम करने की बात करते। परंतु क्या कारण है कि आज उनकी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी इस मामले पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्होंने ही पनपाई हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या उनके साथ जो हुआ है गैरकानूनी है? बिल्कुल गैरकानूनी है, उन्हें सजा होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। परंतु अगर आप ये सोचते हो कि इस कानून को लड़ाई लड़ने के लिए और जेल जाने के लिए बहुजन समाज सड़कों पर आए संघर्ष करे, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ। परंतु इस बात के लिए सहमत हूँ कि कोई भी हमारी बहन बेटी की तरफ अगर नज़र उठा के देखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।